हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो सुबह हो चुका है और मैं जंगल में आया था अपने गाय को हांकने के लिए। तो मैं हांक चुका हूँ जंगल में उसको और मैं वापस जा रहा हूँ। और ये कुछ और दूसरे लोग के ये सब गाय हैं, उन लोगों ने अपने रखा जंगल में हांक रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नज़ारा फ्रेंड्स, बारिश के समय भी तेज़ धूप निकल रहा है। इस समय बारिश के मौसम में भी ये दादी जा रही हैं, ये भी अपनी गाय हांक चुकी हैं जंगल में, वापस जा रही हैं अब अपने घर को। ये भी जा रहे हैं, जिसको भी अपने, ये भी अपने गाय को जंगल में हांकने के लिए ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आया था इन खेतों पे, तो अपने खेतों पे, तो ये मैंने पिछला वीडियो देखा होगा ना आपने, तो मैंने बताया था ना कि इन लोगों का ग्रुप नहीं करनी थी। इन लोगों ने सुबह सुबह खेत ट्रैक्टर बुला के खेत जोतवा लिए हैं, रात पानी भर लिए थे ये लोग, और बांध से भी पानी इस्तेमाल कर लिए ये लोग, तो सही हो गया सब। बस अब इनको रोपनी करनी है, बिया फेंक के रोपनी करनी है। तो फ्रेंड्स, आगे जो खेती करें ना आपको, उसमें भी इन लोगों ने अभी जुताई करा ली है। ये लोग बिया कवा रहे हैं, सामने जो दिख रहे हैं। इन लोगों ने सामने देखो फ्रेंड्स, ये केबल फैला रखे हैं, तार का वायर फैला रखे हैं। यही बिया फ्रेंड्स इन लोगों ने लेते आए हैं, और घर से अब इनको खेतों में फेंकना है। फेंक के फिर इसके बाद रोपाई शुरू हो जाएगी इन लोगों की। तो फ्रेंड्स, मैं शाम को आया तो देखा कि इन लोगों खेतों की रोपनी हो चुकी है और रोपनी करने वाले लोग चले गए हैं। तो धूप भी काफ़ी तेज़ है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो आगे वाले खेतों में भी रोपनी हो चुकी है, और यहाँ पर जो बिया कुछ छोड़ गए हैं ये लोग, जितना यूज काम का था उतना यूज किए हैं, बाकी सब छोड़ गए। इधर भी सब रोपनी हो चुका है सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, यही है, इन लोगों ने टुल्लू लगा के पाइप से बांध का पानी यूज कर लिया खेतों में, सही हो गया इनका। तो इनके पाइप में थोड़ा बहुत लीकेज भी है। तो दोस्तों, ये मैं अपने छोटे वाला जो बांध है डैम है, यहीं पर आया हूँ। तो यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है ये, और ये भी पानी इसमें भर गया है। और ये देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है ये। तो चलते हैं ये सीधे सामने। कुछ ऐसा यहाँ से हम लोग के गांव का व्यूज है, दृश्य है। तो ये देखो सब फ्रेंड्स, ये देखो आम का पेड़ है, और ये जो सामने देख रहा है ना, ये सब बांस है। और इसी बांस के, इस बांस के जो पीछे है ना, ये अपनी ज़मीन है। मेरे घर से काफ़ी दूर है ये।
ये जो फ्रेंड्स ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है ना, ये दूसरा गांव है। और इधर से सामने देखो ये दूसरा गांव है। और ये जो सड़क दिख रही है ना, ये इसी सड़क से हम लोग जाते हैं डेयरी वाले के पास। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। ये जो सामने घर दिख रहा है ना, पहले यहाँ पर आटा चक्की हुआ करता था, तो ये लोग छोड़ के चले गए हैं। ये देखो ये काफ़ी पुराना पुराना पेड़ है ये। और इधर के लोगों ने भी रोपाई शुरू कर दी है धान की। जिन्होंने खेत तैयार कर लिए उन्होंने तो कर ही दिया है रोपाई। ये देखो ये भी एक छोटा सा बांध है इस गांव का। तो देखते हैं इसमें पानी थोड़ा सा ही है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। ये पानी आपको दिखाता हूँ वीडियो में। और ये देखो पहाड़, यही से पहाड़ का पानी आता है इसी में सिंचाई के लिए लोग यूज करते हैं। और इधर का मैं दिखाता हूँ कुछ चारों तरफ घुमा के। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ बकरियाँ हैं जो कि बंदे की ज़मीन में चर रही हैं। इधर भी देखो आप साइड में, इधर भी लोगों ने अपना धान रोप दिए हैं। और ये लोग देखो बंदे में ही रह रहे हैं, बंदे की ज़मीन पर, डैम की ज़मीन में। कितना दूर तक का एरिया आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। ये जो सामने वाला घर दिख रहा है ना, ये लोग मुर्गी पालन करते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुका है और मैं जंगल में आया था अपनी गाय को ढूंढने। अभी तक गाय मेरी आई नहीं है वापस घर पे, तो उसी को खोजने के लिए मैं आया हूँ। तो आया तो मैं सोचा वीडियो भी कुछ बना लेता हूँ। तो काफ़ी इधर आप जाओगे ना आगे, इस तरफ आगे जाओगे तो थोड़ा घना जंगल शुरू हो जाता है। तो मैं इधर ही पास ही से होके थोड़ा सा देख के आ जाऊँगा। और इधर आप देखो ये जो दिख रहा ना आपको पानी जैसा वाइट वाइट, ये बांध है, ये डैम है। और इधर देखो सामने आपको चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। इधर तो ये बहुत घना जंगल है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ अपनी गाय को देखने, अभी तक वापस नहीं आई है।